आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर हैदराबाद हाईवे के संगम नगर क्रॉस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों की जान चली गई है तो कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन है कि तस से मस नहीं हो पा रही है। आज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच एक बाइक सवार रोड क्रॉस करते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में अब तक जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन गुस्सा आए नागरिकों ने वहाँ रोड पर बैठ धरना देने लग गए कि यहाँ फ्लाईओवर या फिर सर्विस रोड जल्द से जल्द बने। इस वक्त कई गाड़ियाँ रास्ते पर रुकी हुई थी, जिसे देख पुलिस घटनास्थल पहुंचकर नागरिकों को समझा बुझा कर रास्ते पर रुकी ट्रैफिक को क्लियर कर दिया। हमारे सहयोगी साथी फारूक मल्ला की एक रिपोर्ट। सर, हैदराबाद हाईवे बहुत दिन से बंद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रास्ते का जो दुरुस्ती, जो नया रास्ता जो बनने का काम बंद है, जो धीमी गति से चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो जो टेंडर वाले जो है, वो मनमानी कारोबार चल रहा है उसका, उसका जो कर रहे हो उसके ऊपर जो सरकार का नियंत्रण जो है ये कुछ नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है वो सब। फिर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके जो एक्सीडेंट हुआ आज, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है वो सरकार और ये कंत्राटदार है, कंत्राटदार और ये सरकार है। सरकार सरकार को भी हमने बार बार बता दिया है, उसको सर्विस रोड इधर होना चाहिए और उड्डन पुल होना चाहिए। हमारे बच्चे इधर उधर आते जाते हैं, खेत वाले इधर उधर आते जाते हैं, मार्केट यार्ड नजदीक है, वो सब इधर झोपड़पट्टी का एरिया है, वो मार्केट यार्ड में काम जाने वाले बहुत लोग है इधर। तुम्हारा कहना है कि 302 परमाने इनके ऊपर गुनाह दर्ज है? जो एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट है, ये नेशनल हाईवे का जो कंत्राटदार जिसने लिया है उसके ऊपर 302 का कलम लगना चाहिए, और ये जो जिसके अंडर वो रास्ता है उसके अधिकारी के ऊपर भी 302 कलम लगाना चाहिए। हाँ, उधर तो हम आगे हो रहा है।